अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी शफ़क सलीम और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल चीज़ रोल। तो फॉर दिस यू विल बी नीडिंग कैबेज, आपको बॉयल चिकन चाहिए होगी, आपको कैरेट चाहिए होगा, कैप्सिकम चाहिए होगा और नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और आपको ये पूर चाहिए होंगे रैप करने के लिए, रोल बनाने के लिए। चीज़ चादर चाहिए होगी और आपको आटा थोड़ा सा चाहिए होगा, सोया सॉस चाहिए होगा। अब आप ये सारा प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। मैंने सब कुछ कट करके रखा है ताकि इजी हो जाए और फास्ट हो जाए। अब हम चिकन को श्रेडेड करेंगे मशीन में एक बार, उसको श्रेडेड करने के लिए ताकि एक साथ हो जाए, लेकिन थोड़ा सा बस दो तीन बार घुमाएंगे, ज़्यादा घुमाने से वो बिल्कुल वो नरम हो जाएगी, लेकिन हमें इस तरह से चाहिए। तो आप देख सकते हैं अब इसके बाद मैं कैप्सिकम को भी इसी तरह से शेयर कर दूंगी, इसको भी 1 से 2 times आपने बस घुमाना है, ज़्यादा नहीं। देखिए इस तरह से आपके पास फॉर्म में आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं चिकन और सब कुछ रेडी है। और ये अब हम पैन लेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे, पैन में ऑयल डालने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल थोड़ा सा लेना है और मैंने क्वांटिटीज़ में डिफाइन इसलिए नहीं कर रही कि आप लोग ने जितना बनाने हैं ना रोल, तो उस हिसाब से आपने क्वांटिटी यूज़ करनी है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आपको जितना मुनासिब लगता है आप उतनी चीज़ें डाल सकते हैं। और अब इसमें मैंने चिकन डाल दी है, इसको स्टेयर अच्छे से करेंगे ताकि मिक्स हो जाए, फ्राई हो जाए। और इसके बाद हम जो है कैबेज डालेंगे, फिर इसके बाद कैप्सिकम, अब इस हमने मिक्स करना है इसे बिल्कुल सही तरीके से। अब हमने कैरेट डालना है, अब इसके बाद हमने जो मसाला हमने गैदर करके रखा था हमने सारा इसमें डाल देना है और फिर इसको वापस मिक्स करना है सही तरीके से। और अब इसके अंदर हम सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस भी आप पे डिपेंड करता है आपने कितना डालना है, कितना आपको चाहिए, आपकी कितनी क्वांटिटी है सारी चीज़ों की, तो उसके हिसाब से आपने डालना है। अब आप देख सकते हैं मैं इसमें चीज़ डालने लगी हूँ, चादर चीज़ है ये, ताकि मेल्ट हो जाए इसके अंदर। और इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा जब आप इसको खाएंगे रोल को, तो इसमें चीज़ का फ्लेवर आएगा, तो काफ़ी अच्छा और मज़े का आपको लगेगा। अब इससे आप देख सकते हैं ये रेडी हो गया है और इसमें चीज़ मेल्ट हो गई है, मिक्स हो गई है। और अब हमने एक छोटा सा बाउल लेना है जिसमें पानी को ऐड करना है, इसमें आटे में आटे की पूरी लई बनानी है हमें, थिक लिक्विड बनाना है, थिक लिक्विड बनाने के बाद हम इसमें आप देख सकते हैं पानी ऐड मैंने करा, अब इसको मिक्सअप कर देंगे और इस तरह से थिक लिक्विड बन जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, देख सकते हैं ये थिक है। अब हमने सारा कुछ हमारे पास रेडी हो गया है। और हाँ एक बार तो और, ये जो मैंने बैटर रेडी किया है चिकन और वेजिटेबल और चीज़ का, इसने इसको आपने जब स्टोव से आप मीडियम उस पर रखेंगे तो उसके बाद आपने जब उतारना है ना, तो उसको थोड़ी देर ठंडा होने रख देना है। अब हम इसको क्या कहते हैं पूर में हम इसको डालेंगे और इतना डालना है कि जितना आप उस मतलब बाहर ना निकल आए ना, तो थोड़ा सा ही इसमें डालेंगे, वरना ये कि बाज़ात फट भी जाता है।
तो अगर हम ओवर इसके अंदर हम डाल देंगे तो ओबियसली वो फिर फट जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने टाइटली इसको पैक करना है ताकि ये सही से पैक हो जाए और फ्राई के टाइम इसके अंदर ऑयल भर ना जाए और चीज़ें बाहर ना निकलें। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप इसको सही से पैक करें। देखिए मैंने किस तरह से टाइटली इसको वो पैक किया है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। हमें इसे डीप फ्राई करना है तो हम कढ़ाई में इसको फ्राई करेंगे और जितने आपने बनाने हैं आप इसको फ्राई कर लें। अब आप देख सकते हैं मेरे रोल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ किस तरह का बना है। एंड टू बी ऑनेस्ट इट्स यमी। जैसे कि मैंने पहले बताया ये बहुत अच्छा है, इसका फ्लेवर आता है चीज़ का। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।